हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं पहलवान और कांग्रेस के प्रत्याशी विनेश फोगाट के सामने जुलाना विधानसभा सीट से बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया है। वहीं अचानक से अब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैप्टन योगेश बैरागी कौन है और इन पर बीजेपी ने यह दाव क्यों खेला है। दरअसल पिछले हफ्ते पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुरिया ने कांग्रेस का दामन थामा था। वहीं कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। वहीं अब बीजेपी ने भी इस सीट से अपना कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि जुलाना विधानसभा सीट हरियाणा प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है। खेल से राजनीति में आई कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट के खिलाफ जुलाना में बीजेपी ने पायलट की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए कैप्टन योगेश बैरागी पर दाव खेला है। सबविंदो निवासी योगेश इस समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की हरियाणा इकाई के उपाध्यक्ष हैं। जिंद जिले में आने वाली जुलाना सीट पहलवान विनेश फोगाट की उम्मीदवारी की वजह से चर्चा में है। 2019 के चुनावों में इस सीट पर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के अमराजीत सिंह ढाडा जीते थे। इससे पहले इन लोगों को जीत मिली थी। इस सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 2005 में जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस की टिकट पर पूर्व पुलिस अफसर शेर सिंह जीते थे। वही हरियाणा के सबविंदो के रहने वाले कैप्टन योगेश बैरागी युवा हैं। उनकी उम्र अभी 35 साल है। वह एक प्रमुख एयरलाइंस में सीनियर पायलट भी रह चुके हैं। बैरागी ने चेन्नई बाढ़ आपदा के दौरान रिलीफ और रेस्क्यू उड़ानें भरी थी। तब उन्हें काफी सुर्खियां भी मिली थी। इतना ही नहीं, वह कोरोना महामारी के वक्त पर वंदे भारत मिशन में सक्रिय रहे थे। योगेश बैरागी सफेदों के पांजू कलान गांव के रहने वाले हैं। योगेश बैरागी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कायल हैं। योगेश बैरागी ने राजनीति में कदम रखने पर कहा था कि वह नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर ही राजनीति में आए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। विधानसभा चुनावों के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। वही हरियाणा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कैप्टन योगेश बैरागी सफेदो के रहने वाले हैं। ये कस्बा भी जिंद जिले के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र भी है, लेकिन पार्टी ने अपने युवा कैप्टन को जुलाना से उम्मीदवार बनाकर एक बड़ी चुनौती दी है। जुलाना में अभी तक एक उपचुनाव मिलाकर कुल 14 चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी को कभी भी इस सीट से जीत नहीं मिल पाई है। पिछले 5 चुनावों में 2 बार कांग्रेस, 2 बार इनलो और 1 बार जेजेपी जीती है। इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए साख के साथ साथ नाक का भी है, क्योंकि एक बार भी बीजेपी ने सीट से खाता नहीं खोला। हालांकि मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी और पहलवान विनेश फोगाट हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हरियाणा इकाई के उपाध्यक्ष कैप्टन योगेश बैरागी हैं। दोनों ही युवा हैं। अब देखना ये होगा कि जुलाना विधानसभा की जनता किसको अपना सपोर्ट देती है। वीडियो डेस्क MBT ऑनलाइन।